हम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहते हैं यहाँ पे गरीब लोगों के लिए, जो कि नहीं है। और दूसरी बात है कि देख, यहाँ पे चारों तरफ का लोग आता है। कीलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कीलांचल टाइम्स में, और मैं हूँ आपके साथ महिमा सिंह। जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा निगम चुनाव को लेकर पल पल की जानकारी दी जा रही है, और हमारे संवाददाता भी लगातार आप सभी तक हर एक प्रत्याशी की योजनाओं और तैयारियों की जानकारी पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भी चुनाव के मैदान से पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं कीलांचल टाइम्स, मैं हूँ विकास कुमार। साल भर पहले गाँव की सरकार बनी थी, और एक साल के बाद 2022 में शहर की सरकार बनने का बारी था, लेकिन सरकारी दांव पेच के कारण चुनाव आयोग ने चुनाव को फिलहाल निरस्त कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में चुनाव तो होंगे ही। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए जो पेच फंसा था, उस पेच को सुलझाने के बाद चुनाव आयोग फिर से घोषणा करेगी। वार्ड पार्षद के जो प्रत्याशी हैं, उनका उत्साह कम नहीं हुआ है, और जनता का उत्साह थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन हम इस कड़ी में आए हुए हैं, अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं आपको कि पटना से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी है भागलपुर नगर निगम। यहां से हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 29 के प्रत्याशी हैं श्वेता सिन्हा जी। लगातार 5-6 सालों से सामाजिक क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, और एक बड़ी बात है कि एक महिला होकर ये अपने समाज के लिए, अपने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, दिन हो या रात हो, ये बिना परवाह किए बगैर समाज के हर दुख सुख में ये साथ होते हैं। हम उनसे आज मुलाकात करते हैं। मैडम, हमारे चैनल में स्वागत। नमस्ते। चुनाव लड़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है मैडम? जनता का सेवा करना। बिना चुनाव लड़े भी तो आप कर रहे थे सेवा? कर रहे थे, अगर एक मौका आ जाता है तो ठीक रहता है, पाओ जीत के साथ। मतलब जीतेंगे तो आप सरकारी फंड से आप अच्छे से काम करें। जनता आपको वोट क्यों देगी मैडम? जनता देगी हमारे काम पे। आपने क्या क्या काम किया जरा बताओ। अभी तक वार्ड में हम लोगों ने साफ सफाई हो, जनता के लिए जितना भी समस्याएं हो, गरीब के लिए हो, बहुत सारे काम किए। मंदिर हमने बनवाया है, उन लोगों का एक पुश्तैनी मंदिर था गरीब लोगों का, वो हमने बिना फंड का अपने ही खर्चे किए थे। अच्छा। पानी की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, इस सब को कैसे लगता है दूर करेंगे? जीतने के बाद जो है कि सरकार जो भी फंड आएगा, जो भी करेंगे, हम लोग आगे लिख करके देंगे कि यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं, साफ सफाई करना है, चूँकि हॉस्पिटल के बगल में, तो हम लोगों को समस्या है कि डेंगू का प्रकोप ज़्यादा रहता है। डेंगू का डर बना रहता है। हाँ, डर बना रहता है। उस कारण से हम लोग के पास उसमें सारा सुविधा हो जाएगा, हमारे पास पावर भी हो जाएंगे, हम लोग जो लिख के देंगे नगर निगम में, उस समय ज़्यादा जो है हम लोगों का सुनवाई होगा। एक आजकल एक नया प्रचलन चला है कि लोग जीतने के बाद जनता को तवज्जो नहीं देते हैं। हम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहते हैं यहाँ पे गरीब लोगों के लिए, जो कि नहीं है। और दूसरी बात है कि देख, यहाँ पे चारों तरफ का लोग आता है, देश विदेश हो, पूरब बिहार का नहाने के लिए आती है महिलाएं, उसमें तरह तरह का घटना होता है, वो सबको हम लोग जो है कि एकदम पूरा करना चाहते हैं। क्या कैसे करेंगे उसको पूरा? पूरा करेंगे, पूरा व्यवस्था के साथ देंगे। महिलाएं कपड़ा बदलती है, उसके लिए बाथरूम, और अच्छे से सिर्फ महिलाएं के लिए ही एक अलग से व्यवस्था होगा। ये आपका मतलब निजी ये नेथी से करें, फंड से? तो और आगे? आगे है कि स्वास्थ्य केंद्र को और आंगनवाड़ी का व्यवस्था कराएंगे, जो कि परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं, नहीं। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही कहा था, जल्दी दबाओ।